हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग विद स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ काऊ को, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ हेड को। तो पार्ट ऑफ हेड हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ हेड से। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है पोल। पोल बहुत ही आपने कॉमनली देखा होगा, सुना होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक बोनी प्रोमिनेंस होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हेयर्स को नहीं, एक बोनी प्रोमिनेंस को हम क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो प्रोमिनेंस है, अगर आप टच करेंगे ना कैटल को, सबसे ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोनी प्रोमिनेंस है जो कि दोनों ईयर्स के बीच में मिलता है, उसे हम पोल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फोरलॉक। तो फोरलॉक इस कैटल के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। फोरलॉक का मतलब क्या होता है, टफ्ट ऑफ हेयर्स को हम फोरलॉक बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हेयर्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फोरलॉक बोलते हैं। अब ये कहाँ ग्रो हो रहे हैं, ये भी दोनों ईयर्स के बीच में ही ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, और फोरहेड के ऊपर है। अब बात आती है फोरहेड क्या होता है, तो थर्ड आता है हमारा फोरहेड। तो फोरहेड क्या होता है, फोरहेड हमारा एक बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया है। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, फोरहेड रेक्टेंगुलर एरिया है जो दोनों आइज़ के बीच में मिलता है। आप देख सकते हैं आइज़ ये हैं, ठीक है, तो दोनों आइज़ के बीच में हमें क्या मिलता है, फोरहेड मिलता है। और जो फ्रंटल बोन है वो इस बोनी पार्ट को फॉर्म करती है। नेक्स्ट इमेज के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली इमेज के अंदर ज़्यादा क्लियर है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, फोरहेड एनिमल का। इसके बाद बात आती है नेजल ब्रिज। तो नेजल ब्रिज इसके अंदर बहुत अच्छा दिखा रखा है। नेजल ब्रिज क्या है, एक लीनियर स्पेस जो कि फोरहेड से नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो द फोरहेड ये प्रेजेंट होता है। तो बिलो, ये तो फोरहेड था, तो बिलो द फोरहेड क्या हो गया, ये वाला एरिया, तो ये क्या हो गया, नेजल ब्रिज, ठीक है। तो बिलो द फोरहेड जो लीनियर पैसेज है उसे हम क्या बोलते हैं, नेजल ब्रिज, और ये मजल तक एक्सटेंडेड होता है। अभी मैं बताऊंगा मजल क्या होता है। इसके बाद बात आती है नेजल पीक की। तो नेजल पीक क्या है, ये नेजल ब्रिज पर जब आप टच करके देखेंगे तो यहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, फील करने के लिए मिलेगा, वो हमारा नेजल पीक होता है। इसके बाद बात आती है मजल। तो मजल क्या होता है, मजल इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। मजल और कुछ नहीं है, ये एक सॉफ्ट पोर्शन है पूरे जो इसका एरिया है, ये पूरा ही हमारा क्या है, मजल है, ठीक है। तो मजल हमारा ये होता है। अब एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर, मजल और मफल ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MUFFLE मफल, ठीक है, और एक होता है हमारा MUZZLE मजल। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मजल क्या होता है, मजल तो आपका ये पूरा एरिया मजल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये कंप्लीट एरिया आ जाता है। बट मफल क्या होता है, मफल जो दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच का ये वाला जो एरिया होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मफल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मजल तो पूरा एरिया होता है और मफल सिर्फ इतना एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया मफल होता है। तो ये मजल मफल के बीच में डिफरेंस था। इसके बाद बात आती है नॉस्ट्रल्स। तो नॉस्ट्रल हमारे क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, पता ही होगा, ये तो एनिमल ह्यूमंस के अंदर भी आपने देखा होगा। नॉस्ट्रल हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और ये आप देख सकते हैं ये नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, कैटल के अंदर, और ये दोनों साइड पर आपके मजल के दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात आती है अपर लिप की। तो अपर लिप क्या होता है, अपर लिप आपका बेसिकली और कुछ भी नहीं है, अपर लिप आपका अपर बॉर्डर है, और जैसे ओपनिंग ऑफ माउथ है उसका अपर बॉर्डर क्या बोलते हैं हम, उसे अपर लिप। तो जो ये अपर बॉर्डर आपको दिख रहा है, दिस वन, सो ये क्या है आपका, अपर लिप हो गया। इसके बाद बात आती है लोअर लिप। तो लोअर बॉर्डर क्या हो जाएगा, लोअर लिप हो जाएगा। तो अपर लिप और लोअर लिप ये आपके हो गए। इसके बाद बात आती है ओपनिंग ऑफ माउथ। तो ओपनिंग ऑफ माउथ एंटीरियर ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये जो है ये ओपनिंग है माउथ की, ये ओपनिंग ऑफ माउथ हो गई। इसके बाद आती है चिन। तो चिन क्या होता है, चिन आपने ह्यूमंस में भी देखा होगा, सुना होगा, और यहाँ पर भी चिन वही होता है। एंटीरियर पोर्शन है लोअर जो का, ये जो लोअर जो आपको दिख रहा है इसका ये जो एंटीरियर पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, चिन बोलते हैं, ठीक है, चिन। अब चिन के जस्ट आप पीछे जाएंगे, यहाँ पर मैं लाइन वाइज बताऊंगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चिन मैंने आपको बता दी, चिन के जस्ट आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ना आपको एक ग्रूव देखने के लिए मिलेगी, एक डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। जब आप एनिमल को टच करेंगे तो यहाँ पर चिन के पीछे आपको एक डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा इस जगह पर, ठीक है। जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे उसे हम बोलते हैं चिन ग्रूव। क्या बोला जाता है उसे, चिन ग्रूव, ठीक है, एक डिप्रेशन है फाउंड बिहाइंड द चिन। इसके बाद आता है रैमस, रैमस ऑफ मैंडिबल। तो ये जब आप बोन्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा रैमस क्या होता है, प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल का। इसके बाद बात आती है जॉल।
तो जॉल, JOWL, जॉल का मतलब क्या होता है, ये जब आप नीचे से देखेंगे इस जगह पर, तो दोनों जो एरिया है, जो दोनों रैमस हैं, उनके बीच में एक सॉफ्ट एरिया होता है. दोनों रैमस, मैंडिबल के दोनों रैमस के बीच में एक सॉफ्ट एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं जॉल. ठीक है, अब जॉल से थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थ्रॉट. तो लाइन वाइज आपको याद रखना है कि पहले तो आपको क्या मिला, यहाँ पर चिन, चिन के पीछे आपको क्या मिला, चिन ग्रूव, चिन ग्रूव के पीछे आप गए तो क्या मिला, जॉल, और जॉल के पीछे आप गए तो क्या मिल गया, यहाँ पर थ्रॉट. ठीक है, थ्रॉट तो पता ही होगा. तो ये पूरा का पूरा आपकी लाइन वाइज ये चीज़ें यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती हैं. इसके बाद बात आती है ईयर की. तो ईयर तो कॉमन है, आपको पता ही है कि एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो ऑडिटरी सिस्टम है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, दोनों साइड पर ईयर प्रेजेंट होते हैं. अब बात आती है अपर आईलिड की. तो अपर आईलिड आपको यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली शोन है. देखिए, अपर आईलिड क्या होता है, अपर बॉर्डर ऑफ द आईबॉल को हम क्या बोलते हैं, अपर आईलिड. तो ये वाला जो बॉर्डर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, अपर आईलिड. ठीक है, इसके बाद बात आती है लोअर आईलिड क्या होता है. तो जो लोअर बॉर्डर है उसे क्या बोल दिया, लोअर आईलिड बोल दिया, ये वाला जो बॉर्डर है. ठीक है, इसके बाद आपकी आती है थर्ड आईलिड. तो थर्ड आईलिड जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती, ये कैंथस होता है आईलिड का, इसके अंदर तो ये शोन है नहीं. ठीक है, तो कैंथस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा इस जगह पर. ठीक है, तो कैंथस होता है, इसे हम बोलते हैं थर्ड आईलिड. यहाँ पर आपकी आईलिड हो गई. इसके बाद बात आती है आई लैशेज की. तो आई लैशेज जैसा कि ह्यूमंस के अंदर भी होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आई लैशेज होती हैं. आई लैशेज और कुछ नहीं है, ये ग्रोइंग हेयर्स हैं बॉर्डर ऑफ आईलिड से. तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, आई लैशेज, जो कि हेयर्स आपके वहाँ से निकल रहे हैं. तो यहाँ पर आपका जो पार्ट्स ऑफ हेड हैं वो कम्प्लीट होते हैं. पार्ट टू के अंदर हम बात कर लेते हैं आपके पार्ट्स ऑफ नेक की. तो नेक में बहुत ज़्यादा कोई पार्ट्स है नहीं, बट जो भी हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ. तो देखिए, यहाँ पर जब नेक की बात होती है तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ आती है एपेक्स ऑफ नेक. तो एपेक्स ऑफ नेक का मतलब क्या है कि ये वो पॉइंट या एंगल है जहाँ पर कि आपका जो हेड है, हेड किससे मिल रहा है, नेक से ज्वाइन कर रहा है. अब नेक कहाँ पर है, ये जो पूरा एरिया, ये क्या, नेक है. ठीक है, तो हेड से नेक किस जगह पर, किस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, एपेक्स ऑफ नेक. इसके बाद बात आती है बेस ऑफ नेक. तो बेस ऑफ नेक हमारा वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर कि आपकी नेक बॉडी से ज्वाइन हो रही है. तो ये नेक है, ये बॉडी है. तो ये कहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं, ये ज्वाइन हो रही हैं इस लाइन पर. तो ये वाली क्या हो गया आपका, बेस ऑफ नेक. बेस ऑफ नेक के बाद आपका आता है क्रीस्ट ऑफ नेक. तो क्रीस्ट ऑफ नेक क्या हुआ, ये टॉप लाइन है नेक की, टॉप लाइन ये वाली. ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रीस्ट ऑफ नेक. और यहाँ पर लिगामेंट न्यूचे भी होता है तो उसके कॉन्टैक्ट में हमारी होती है. इसके बाद आपका आता है बॉटम ऑफ नेक. तो बॉटम ऑफ नेक क्या होता है, लोअर बॉर्डर नेक का होता है, उसे हम बोलते हैं बॉटम ऑफ नेक. ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, बॉटम ऑफ नेक. ये चारों चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई. सबसे पहले एपेक्स ऑफ नेक, बेस ऑफ नेक, क्रीस्ट ऑफ नेक एंड बॉटम ऑफ नेक. इसके बाद आपका आता है जगलर फरो. तो जगलर फरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बता देता हूँ जगलर फरो होता क्या है. तो जगलर फरो आपका एक लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन है जो कि आपके बॉटम ऑफ नेक के पैरेलली ही प्रेजेंट होता है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जगलर फरो होता है. अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये एक डिप्रेशन टाइप का है, जब आप टच करके देखेंगे ना यहाँ पर एनिमल को, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है. ठीक है, उस डिप्रेशन के अंदर ही, उस ग्रूव के अंदर ही बेसिकली आपकी जगलर वेन प्रेजेंट होती है. और ये जो जगलर वेन है रुमिनेंट्स के अंदर, इसी से ही ब्लड कलेक्शन करा जाता है. पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अभी तक ब्लड कलेक्शन करा होगा, बट अगर कभी आप आगे जाकर करेंगे ब्लड कलेक्शन, तो आप देखेंगे इसी जगलर फरो के अंदर आप जगलर वेन को आपको पहले पल्पेट करना होगा और फिर उस जगलर वेन से आपको ब्लड कलेक्शन करना होगा. इसके बाद बात आती है मेन की. तो मेन क्या होते हैं, हालांकि मेन जो पार्ट है वो हॉर्सेस के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, कैटल्स के अंदर नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पर थोड़े बहुत हेयर्स हैं वो बता देता हूँ. मेन क्या होता है, MANE. तो टफ्ट ऑफ हेयर्स जो कि
क्रीस्ट ऑफ नेक पर ग्रो कर रहे हैं। अब मैंने क्रीस्ट ऑफ नेक क्या बताया था, क्रीस्ट ऑफ नेक बताया था टॉप लाइन ये वाली, तो ये क्रीस्ट ऑफ नेक हो गई। अब इसके ऊपर ना कुछ हेयर्स हमारे ऐसे होते हैं और वो ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। अब ये हेयर्स आपने हॉर्सेस के अंदर ज़रूर देखा होगा, उनकी नेक पर ये जो हेयर्स होते हैं ना वो इधर को ऐसे गिरे हुए होते हैं, पूरा नेक के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, तो उसी उन्हीं टफ्ट ऑफ हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉर्सल एस्पेक्ट के पार्ट्स की, वेंट्रल एस्पेक्ट की, और बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर हम पार्ट्स को ही कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेब स्टडी।